उधर कहाँ ले लिए? इधर इधर आ जाइए बाइक हो रहा है भाई। अरे धक्का मत दो। हाँ आ गए बाइक हो रहा है। यो भाई स्टार्टिंग में रखा था इस कैमरा चल हो गया। हाँ उठ गया। घूम निकल। डन गाइस। घूम निकल। कितने दिन हो चुके हैं। काफी अच्छी व्यू आ रहा है। समझा। हाँ जब तुम्हारे को नहीं है हम कुछ तो अभी नहीं 4.4 लाख चेंज हो गया है। और पहला वेंचर है, पहला प्रोजेक्ट है और पहला चैनल है बेसिकली। और पिक्चर्स और नए नए चैनल पर 4 लाख व्यूज़ छोटी बात। हम बड़े ड्रॉप पर। व्हाट डू वांट टू से अबाउट द सॉन्ग, अबाउट ऑल द एक्सपीरियंस? सेम थिंग। हम लोग एक्चुअली जब भी कुछ भी करते हैं हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते और जब वो एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड हमें प्यार मिलता है काफ़ी कॉलेज डेज की याद दिला दी। लास्ट में थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। हार्ट ब्रेकिंग नहीं है, हमने बैकग्राउंड दिया या हार्ट ब्रेकिंग नहीं है बेसिकली। उसके ऊपर बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, छोटा एक्सीडेंट है। कंटिन्यू द स्टोरी कह दिए, मतलब पार्ट 3 भी आने वाला है। कुछ तो हिंट्स आ गए आपकी तरफ से, क्या कुछ कहना चाहोगे? पार्ट 2 आ सकता है लेकिन जल्दी नहीं। अरे उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? Not only from India, from out of country also, like Egypt, Pakistan, Bangladesh. Lots of hashtags are also making up. कोई ऐसा hashtag जो आपको काफी अच्छा लगता हो? Fans created hashtag. Fans created. मुझे सबसे पहले hashtag मुझे hashtag आरागी मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहला जब हमारा show शुरू हुआ था तो poll चला थे। हाँ. दो तीन नाम थे उसमें से रागी is the one which people selected. And initially it was difficult to digest क्योंकि पहला time था। और रागी इतना फेमस हो गया कि हमारे प्रोड्यूसर सर ने ही यूज इन द टीवी आल्सो। यस यस टीवी शो रागी करके नीचे आ रहा है। एंड यू आर गोइंग टू डू अ मूवी, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? कोई मूवी आने वाली है सुनने में आया है? नो इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट बट इट्स। एंड व्हाट अबाउट यू, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ले बक। दिस कैमरा यहाँ पे एक्सपीरियंस तो सिंस ही वॉज माई प्रोड्यूसर एंड ही वॉज माई को स्टार एंड एवरी थिंग तो इट वॉज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल। आई डेंट हैव टू कम्प्लेन और आई डेंट हैव टू आस्क फॉर थिंग्स। जबकि साई वॉज ओवर एंड ओवर कमिंग एंड आस्किंग कि इज़ द फूड फाइन, इज़ दिस फाइन, इज़ दैट फाइन। सो आई वॉज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल। और वीडियो की जहाँ तक बात है तो आई थिंक पीपल आर ऑलरेडी लविंग इट। People always love it whenever we come together.
वी गॉट अ लॉट ऑफ ओपिनियंस ऑन आगे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए. सो इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग यू नो रिलेशनशिप दैट वी हैव विथ आर फैम, विच इज़ their opinions matter to us. The we always yeah we'll take it next time. If you are planning for second part 2 of Ishq Ho Jayega, definitely we'll consider your opinions and suggestions. So the theme of the album, it's based on a college love story. Main bol sakta hu like pehla pehla pyar, kind of a tender love. And this was a maiden project for Aurum Motion Pictures and on a new channel, and pehla video and it's counting like 4 lakh views. Aaj subah maine dekha. I'm super happy about that. Music video market bahut competitive ho gaya hai. You know, what is the revenue stream? Kyunki jaldi itna zyada response milta nahi hai video ko. So it's a big risk factor also. Uske aage kya karna chahenge? Regarding right now for this project, I was not looking at the profit or the revenue. I was only looking for the establishment and the song reach. क्योंकि एक तो वी हैव अ लॉट ऑफ फैंस एंड पीपल लव अस साई एंड शिवांगी टुगेदर. सो लाइक मैंने सोचा कि चलो करते हैं एक म्यूजिक एल्बम करते हैं एंड लेट्स बात का बात जो होगा देखा जाएगा. वी ऑलवेज हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस. नो एक्सपेक्टेशंस. अस बीइंग लाइक कि कर देते हैं, वी विल जस्ट लीव इट टू द ऑडियंस टू डिसाइड इफ इट इज गुड और बैड और व्हाटएवर. एंड द रिस्पांस इज ऑलवेज गुड. लाइक वी इट्स गुड, पीपल आर गिविंग गुड सजेशंस. बट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ म्यूजिक वुड हेल्प्स आउट इन गेटिंग अ फर्दर प्रोजेक्ट nothing like that. It's I think it's the whole idea was of course of him getting into this new thing and we really didn't think through ki are ye hoga iske baad wo hoga. We did it with all our heart. This is what we always do, and if you do it with all your heart, somebody who's watching it someday, I don't know who's going to watch it and be like are isko bula isko bula, so maybe things will happen. But ऐसा कोई प्लानिंग के साथ कुछ नहीं किया. प्रोजेक्ट्स वी स्टिल आर इन टॉक्स बिकॉज अभी ना हम एक शो कर चुके हैं तो देर इज़ अ लॉट ऑफ बैगेज दैट वी हैव, जिसकी वजह से हम कुछ भी कभी भी विदाउट थिंकिंग नहीं, वी कॉन्ट पिक इट अप. वी हैव टू थिंक इट थ्रू, हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू सस्टेन, हैव आई डन दिस ऑलरेडी, एंड इफ आई हैव डन इट लेट्स नॉट डू इट, एंड हेंस इज टेकिंग टाइम. और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि गुड थिंग्स टेक टाइम, सो या समथिंग गुड विल डेफिनेटली कम अप. Future projects, nothing is finalized. Once it's finalized, I'll let you know all. That's it. Thank you.